हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू संगीता हीलिंग टेंपल्स। और ये वीडियो है कि रेकी हीलर्स को किस तरह का खाना चाहिए, किस प्रकार की थाली में खाना चाहिए, किस तरह से आपकी एनर्जी एनहांस होगी। तो दोस्तों, ये मैंने बहुत रिसर्च करी है और मैं ऑब्जर्व भी कर रही हूँ दूसरे रेकी हीलर्स को, और अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस के ऊपर बेस्ड ये मैंने वीडियो बनाया है कि जब आप 21 दिन की हीलिंग करते हो, उन दिनों आपको किस तरह का खाना चाहिए और किस तरह के बर्तन में खाना चाहिए। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आजकल, क्योंकि हम वेस्टर्नाइज चीज़ों को फॉलो करने लगे हैं, तो हम लोग बहुत सारा मेलामाइन, प्लास्टिक, इसका यूसेजेस बढ़ता चला जा रहा है और इसके बहुत बहुत हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हैं। और जो बेनिफिशियल इफ़ेक्ट्स हमको मिलने चाहिए वो हमको नहीं मिल रहे हैं अपने खाने से। तो खाना एक तरह की हमें हीलिंग करता है, खाना हमें ऊर्जा देता है और यही ऊर्जा हमें चाहिए काम करने के लिए, हीलिंग करने के लिए। तो जब हम खाना खाते हैं तो हमारा पात्र जो है वो कैसा होना चाहिए। तो आपने देखा होगा साउथ इंडिया में अक्सर बनाना लीव्स पे खाना खाया जाता है, और पहले हम लोगों में, दिल्ली में और बचपन में तो मैंने देखा है पतलों में खाना खाया जाता था, और जब भी भोज समारोह वगैरह होता था। अभी भी जब डेथ होती है तो पतलों पे खाने का रिवाज है। अब फिर से कागज़ की प्लेट्स आने लगी हैं क्योंकि फ्रेश जो है बनाना लीव्स नहीं मिल रही हैं या फ्रेश पत्तियां नहीं मिल रही हैं। मुझे याद है कि हमने गोलगप्पे जो हैं वो दोनों में खाते थे, फ्रेश ग्रीन कलर की लीव्स होती थी, उनको कोन बना के उसमें वो गोलगप्पा डालता था, उसके खाने का अलग ही स्वाद होता था, ट्रस्ट में, क्योंकि वो हमने खाया हुआ है। पर अब वो सब अवेलेबल नहीं है, तो अब हम क्या कर सकते हैं। तो जब जो जिस पात्र में खाना होता है वो एक एनर्जी रिलीज करता है, तो अगर हम ये फ्रेश लीव्स बनाना लीव्स में नहीं खा सकते तो हम जो है मिट्टी के बर्तन हों, आजकल मिट्टी के बर्तन बहुत ज़्यादा इन होने लगे, यहाँ तक कि कुकिंग में भी मिट्टी के बर्तन हम यूज़ करने लगे हैं। मैंने तो मिट्टी की हांडियाँ मंगा ली हैं, ऑनलाइन मिलती हैं, और उसमें धीमी आंच पे खाना पकाना चाहिए। जो कुकर्स हैं, कुकर्स की जो कुकिंग है उनको अवॉइड करना चाहिए क्योंकि वो एकदम से हाई फ्लेम पे होता है और हाई प्रेशर में होता है, जल्दी बन जाता है बट उसके न्यूट्रिशन ख़त्म हो जाते हैं। तो स्लो कुकिंग होनी चाहिए, और मिट्टी के अगर आप मंगा सकते, बहुत महंगे नहीं होते, बिटवीन 500 का एक पॉट होता है, 500-600 का, और जिसमें 4-5 लोगों का खाना आराम से बन जाता है। तो कुकिंग में मिट्टी के बर्तनों को इस्तेमाल करना शुरू करिए। और जो आपकी थाली होती है, थाली अगर आपकी मिट्टी की हो, क्योंकि मिट्टी में वो सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमें शरीर में चाहिए, सारे के सारे, बहुत माइक्रो लेवल पे, मैक्रो लेवल पे जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो मिट्टी से ही मिलते हैं। जो भी हम खा रहे हैं, फूड खाते हैं, सब्जियां हों, फल हों, वो सब उनमें आते हैं, वो ज़मीन से ही आते हैं, मदर अर्थ से ही आते हैं। तो अगर हम मिट्टी के बर्तनों में फिर से लौट आए, मिट्टी के बर्तन में पानी पीना, मिट्टी के बर्तन में खाना खाना, कटोरियाँ आने लगी हैं, चम्मच आने लगे हैं मिट्टी के बर्तन, तो ये आप एक अपने लिए सेट मंगा लें और मिट्टी के बर्तनों में खाना शुरू कर दें। तो मिट्टी के बर्तन जो हैं वो आपको बहुत अच्छी एनर्जी देंगे, उसका एनर्जी लेवल जब आप खाना खाएंगे तो एक अजीब सी रिलैक्सेशन होती है, एक अजीब सी कनेक्टेड, आप अर्थ एनर्जीज ले रहे हैं, क्योंकि हमारा मूलाधार चक्र है जो अर्थ से कनेक्टेड होता है, तो हमारा मूलाधार चक्र भी एक्टिवेट होता है जब आप अर्थ एनर्जी पे खाना खाते हैं। आप ऐसे भी कर सकते हैं कि एक दिन आपने किसी अर्थ एनर्जी को, यानी मूलाधार चक्र को एक्टिवेट करा, एक दिन आपने मिट्टी की थाली में खा लिया, फिर दूसरे दिन हम स्वाधिष्ठान की बात करते हैं। स्वाधिष्ठान चक्र के लिए अगर उसको एक्टिवेट करना है तो सबसे अच्छे चांदी के बर्तन रहते हैं, जो शायद आजकल अनअफोर्डेबल हो गए हैं हर किसी के लिए, बट एक चांदी का चम्मच हर कोई अफोर्ड कर सकता है, 400-500 रुपये तक का आपका एक चांदी का चम्मच आ जाएगा। तो चांदी का चम्मच या चांदी का गिलास या चांदी की कटोरी यूसेज में लाना शुरू करिए। आपको पानी को जो है चांदी के बर्तन में पीना करे, ग्लास ले लीजिए या छोटा सा लुटिया टाइप का होता है, उसमें चांदी के, उसमें पानी पीना शुरू करिए। तो पानी क्योंकि आपकी पूरी बॉडी में जाता है तो आपके स्वाधिष्ठान चक्र पे काम करता है। चांदी जो है वो शुक्र जो प्लैनेट है उसको मजबूत करता है, यानी कि हमारी वाटर रिलेटेड जो इश्यूज आ रही हैं, पाँव में स्वेलिंग आना, ब्लड प्रेशर, तो चांदी के बर्तन जो हैं या चांदी के बर्तनों में खाना खाना, चम्मच से खाना, वो हमारे
इस स्वादिष्टान चक्रा को एक्टिवेट करते हैं और उन प्रॉब्लम्स को दूर करते हैं। तो हमारे बर्तन इस प्रकार के होने चाहिए जो हमारे चक्रास को एक्टिवेट करें। फिर अगर आप लें मणिपुर चक्रा, तो मणिपुर चक्रा होता है येलो कलर का, तो पीतल की थालियां जिनके ऊपर कलाई पहले जमाने में होती थी, तो पीले कलाई के बर्तन अभी भी मिलने लगे हैं, दोबारा से सारी चीजें लौट के वापस आ रही हैं। पीतल के बर्तन में कुकिंग करना भी अच्छा रहता है, बट कलाई ध्यान रखना है कि कलाई वाले बर्तन होने चाहिए, तो वो आप कर सकते हैं। और अगर हार्ट चक्रा है तो हम ग्रीन लीव्स के ऊपर खाना खाएं, या आजकल मिलने लगी हैं ऑर्गेनिक वो मिलने लगे हैं, बर्तन मिलने लगे हैं, तो ग्रीन कलर की जो लीव से बना हुआ कटोरियों में चम्मच में आप खाना खा सकते हैं, जो आपके हार्ट चक्रा को एक्टिवेट करेंगे। थ्रोट चक्रा के लिए अगेन आप चांदी का यूज़ कर सकते हैं, थ्रोट चक्रा जो है चांदी के बर्तन उसके लिए ठीक रहते हैं। और थर्ड आई, और इसके लिए जो है हम ये अपने थाली में क्रिस्टल्स रख सकते हैं, अगर आप खाने को एनर्जाइज कर सकते हैं एमेथिस्ट से, या आपने लैपिस लेजुली अपने आसपास खाने की रख लिया, खाने के अंदर नहीं डालना है क्योंकि लैपिस लेजुली टॉक्सिक होता है, तो आपने खाने के बर्तनों के चारों तरफ एक तरह की एनसर्कल कर लिया, आप टम्बल्स ले सकते हैं एमेथिस्ट के, तो वो जो है चार्ज हो जाएगा आपका फूड और इन चक्रास को भी चार्ज करेगा। तो हीलर्स को ये चीज़ बहुत ध्यान रखनी है कि किस बर्तन में वो खाना खा रहे हैं। प्लास्टिक के बर्तन बिल्कुल भी नहीं, चीनी मिट्टी के भी बर्तन मैं कहूँगी अवॉइड कीजिए। ज़्यादातर आप लीजिए मिट्टी के बर्तन लीजिए, चांदी के बर्तन लीजिए, या पीतल के बर्तन लीजिए, या पत्तों से बने हुए बर्तन। ये चार प्रकार के बर्तन हैं जिसमें आपको खाना खाना चाहिए। इससे आप देखेंगे आपकी हीलिंग, आपकी एनर्जी लेवल बहुत अच्छा हो रहा है, क्योंकि मैं खुद एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ, चांदी और मिट्टी के खाने में बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं। तो दोस्तों, और जो लोग बीमार हैं उनको भी आप इसी तरह से हील कर सकते हैं, जो आपके पेशेंट्स हैं उनको भी मिट्टी के बर्तन में या चांदी के बर्तन में खाना सर्व करना शुरू करिए, आप नोटिस करेंगे कि उनकी हीलिंग जो है जल्दी हो रही है। इनफैक्ट एक मेरी स्टूडेंट थी, उनको हाई ब्लड प्रेशर था, उन्होंने एक साल तक चांदी के बर्तन का खाने में और पानी पीने में प्रयोग किया और ब्लड प्रेशर उनका ठीक हो गया। तो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू दिस वीडियो, और देखते रहिए, और उपयोगी वीडियोस के लिए आप देखते रहिएगा, एंड लेट मी नो कमेंट बॉक्स में कि ये वीडियो कैसा लगा और किस तरह के वीडियोस आपको चाहिए। और अगर आप हीलिंग के बारे में और इन डेप्थ जानना चाहते हैं तो मेरे नंबर 9811142249 पे कॉल कीजिएगा। रेकी वर्कशॉप्स के लिए, टैरो कार्ड के लिए, या क्रिस्टल हीलिंग, एंजल थेरेपी, मनी मंत्रा कोर्स, ये सब आपको पता ही है, कोर्सेज में पिछले 30 साल से सिखा रही हूँ। तो थैंक यू, आई लव बीइंग विद यू, और प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखें आपको कैसा लगा। बाय बाय, सायोनारा।